नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा शर्मा और आप देख रहे हैं पिनाकल करियर इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 13 अप्रैल के दिन हम आज डिस्कस करने वाले कल की यानी 12 अप्रैल की खबरों को और आज अभी तक के जितनी भी 13 अप्रैल की खबरें मैंने कवर की उन सभी को। इन सारी खबरों में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो मैं आप तक लेकर आ रही हूँ और बढ़ते हमारी पहली स्लाइड की तरफ जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज आपका वेट कर रही है। और न्यूज आ रही है 65वें यानी 65th नेशनल फिल्म अवार्ड से। जी हाँ, 65वें नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिलेंगे वर्ष 2017 में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ये घोषित किया जा चुका है PIB के थ्रू और ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 3 मई 2018 के दिन हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो सबसे पहले जो न्यूज आ रही है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। देखिए ये 3 मई 2018 को डिस्ट्रीब्यूट होंगे लेकिन अभी भी आप दिमाग में रख सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूज आ रही है दादा साहेब फाल्के अवार्ड की तरफ से और हमारी पहली न्यूज है कि 2017 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिलेगा। सो द राइट आंसर विल बी स्वर्गीय विनोद खन्ना जी को। आपको विनोद खन्ना जी याद होंगे तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड वर्ष 2017 के लिए मिलेगा स्वर्गीय विनोद खन्ना जी को। बढ़ते हमारी अगली न्यूज जो इसी में 65th नेशनल फिल्म अवार्ड से जुड़ी हुई है वो है बेस्ट एक्टर इन फीमेल कैटेगरी फॉर 2017 ईयर और ये मिलेगा हमारी लेट श्रीदेवी को इनकी मूवी मॉम के लिए। आपको श्रीदेवी जी याद होंगी, काश ये जिंदा होती हमारे बीच होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इन्हें इनकी मूवी मॉम के लिए अवार्ड मिलेगा। बढ़ते हमारी अगली स्लाइड की तरफ जहां पे हम दादा साहेब और बाकी न्यूज को कवर कर रहे हैं। तो हमारी अगली न्यूज जो आ रही है वो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन मेल कैटेगरी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन मेल कैटेगरी ये जो अवार्ड मिलेगा, सॉरी माफी चाहूंगी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल कैटेगरी ये है और ये मिल रहा है आपका दिव्या दत्ता को फॉर दी मूवी इरादा के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, लेकिन याद रखिएगा एक्टर लिखा हुआ है बट ये फीमेल कैटेगरी एक्टर है। ओके, तो दिव्या दत्ता को मिलेगा फॉर दी मूवी इरादा के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का मिल रहा है बहुत ही फेमस AR रहमान को मॉम मूवी के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर मिल रहा है AR रहमान फॉर दी मूवी मॉम। इसी में बेस्ट एजुकेशन फिल्म का अवार्ड मिला है द गर्ल्स। बेस्ट एजुकेशन फिल्म, ये बहुत लंबा सा नाम है, इंग्लिश नेम है, आराम से लिखिएगा। एजुकेशन फिल्म के लिए मिला है द गर्ल्स वी वर, द गर्ल्स वी वर हिंदी में देखे तो वो लड़कियां जो हम थे एंड द वुमेन वी आर और वो महिलाएं जो आज हम है, द गर्ल्स वी वर एंड द वुमेन वी आर। इस मूवी को बेस्ट एजुकेशन फिल्म का अवार्ड मिला है और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड मिला है वाटर बेबी को। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, देखिए मूवी भी दो होती है, एक फीचर होती है एक नॉन फीचर होती है, तो नॉन फीचर के लिए किसे मिला है, नॉन फीचर के लिए मिला है वाटर बेबी मूवी को। और इसे तो आप भूल ही नहीं सकते, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली, नाम इतना अच्छा है क्योंकि ये मिला है बाहुबली द कंक्लूजन को। हाँ, बाहुबली द कंक्लूजन, एग्जैक्टली कटप्पा सबके दिमाग में आ गए होंगे। तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के लिए मिला है बाहुबली द कंक्लूजन को, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और हमने बेस्ट एक्ट्रेस इन फीमेल कैटेगरी श्रीदेवी लिखा था, बाहुबली द कंक्लूजन एग्जैक्टली। बेस्ट एक्टर इन मेल कैटेगरी, बेस्ट एक्टर इन मेल कैटेगरी मिला है रिद्धि सेन को। जी हाँ, नाम पे मत जाइएगा, इनका नाम रिद्धि सेन है, ये एक्टर मेल कैटेगरी के हैं। ओके, रिद्धि सेन फॉर द मूवी नागर कीर्तन, फॉर द मूवी नागर कीर्तन, दैट इज रिद्धि सेन, RIDDHI रिद्धि सेन, रिद्धि सेन को मिला है। देखिए जो अवार्ड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो हर कैटेगरी में पूछे जाएंगे, तो जितने भी एस्पिरेंट इसे देख रहे हैं व्यापम SSC वाले वो अच्छे से इन सारे अवार्ड्स को लिख ले। नागर कीर्तन मूवी मत भूलिएगा, नागर कीर्तन ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, आपके लिए आज का क्वेश्चन, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि नागर कीर्तन ये जो मूवी है, ये जो रिद्धि सेन सर है जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, ये कौन सी लैंग्वेज की मूवी है, किस लैंग्वेज की मूवी के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। बढ़ते हमारी अगली न्यूज की तरफ जो हमें अगली जगह मिलने वाली है, हमारी अगली साइड पर मिलने वाली है। और हमारी अगली न्यूज आ रही है सेबी से। सेबी ने सहारा म्यूचुअल फंड को अपना लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कह दिया है। सहारा पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबी द्वारा हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कहा था, तो इसका आंसर होगा सेबी। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है सेबी, सहारा म्यूचुअल फंड, और कुछ आपको याद नहीं रखना है। अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारी अगली न्यूज आ रही है रिलायंस जियो से। रिलायंस जियो अपना डिजिटल मार्केट और बढ़ाना चाहता है, इसी कैटेगरी में रिलायंस जियो और सोडेक्सो ने एक डील की है।
रिलायंस जियो और सोडेक्सो ने एक डील की है, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाल ही में सोडेक्सो ने किस मोबाइल कंपनी के साथ अपने डिजिटल वॉलेट को बढ़ाने के लिए डील की, सो द राइट आंसर विल बी रिलायंस जियो। अगली न्यूज आ रही है बीबीबी से, दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो, देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना 2016 में की गई थी। मैं आपको ये बता देती हूँ कि बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना 2016 में की गई थी और उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि अगर कोई बैंक है तो उसके अध्यक्षों का चुनाव, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव इस बीबी के द्वारा किया जाएगा। तो बीबीबी के अध्यक्ष हाल ही में चेंज हुए हैं और ये बने हैं भानु प्रताप शर्मा। बैंक बोर्ड ब्यूरो के नए अध्यक्ष बने हैं भानु प्रताप शर्मा। इनसे पहले विनोद राय थे जो पूर्व सीएजी भी रह चुके हैं, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भानु प्रताप शर्मा को याद रखना, ये अगले 2 साल के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम। अगली जो न्यूज हमारी हम कवर कर रहे हैं वो हम डिफेंस एक्सपो से कवर कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपो जो अभी चेन्नई में चल रहा है, हम रेगुलर 2 दिनों से उसकी न्यूज को कवर कर रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो डिफेंस एक्सपो में पीएम मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की और स्कीम का नाम है आईडेक्स। एग्जैक्टली आईडीईएक्स, थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा आराम से आईडेक्स। ओके, तो आईडेक्स का फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईडेक्स स्टैंड फॉर, तो उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस का काम होगा डिफेंस इनोवेशन के लिए पैसे प्रोवाइड करना। डिफेंस में कोई भी कुछ इनोवेटिव करता है तो उसे किसी भी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता की आवश्यकता है तो आईडेक्स के माध्यम से उसे उपलब्ध होगी। अगली न्यूज हमारी डिफेंस एक्सपो से ही कनेक्ट हो रही है और ये अगली न्यूज आ रही है बोइंग इंडिया। जी हाँ, बोइंग ये वही कंपनी है जो विमान बनाने के लिए बहुत ही फेमस है। तो बोइंग इंडिया ने एक टाई अप किया, एक एमओयू किया, एक एग्रीमेंट किया है एचएएल। एचएएल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लेकिन आप एचएएल याद रखिए, दैट्स सफिशिएंट। एमओयू क्या है, किसके साथ? एचएएल के साथ और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ। एचएएल के साथ और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ ये एग्रीमेंट या ये डील हुई किस सेशन में? तो बोइंग इंडिया ने फैसला किया है कि वो इन तीनों के साथ मिलकर हमारी भारतीय सेना के लिए FA-18 सुपर हरमेट विमान बनाएगा। FA-18 सुपर हरमेट विमान बनाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए FA-18 सुपर हरमेट किन 3 कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर है? तो बोइंग इंडिया, एचएएल, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगली न्यूज आ रही है हमारी अजरबैजान से, एक देश ऑफकोर्स विदेश, यहां से एक न्यूज आ रही है अजरबैजान। अजरबैजान में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, 4th बार यानी 4th टाइम जो यहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। काफी कंट्रोवर्सी हुई है इस बार इनकी प्रेसिडेंसी को लेकर। इनका नाम है इल्हम अलीयेव। अजरबैजान जिसकी कैपिटल है बाकू। करेंसी क्या है अजरबैजान की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इल्हम अलीयेव को याद रखिएगा क्योंकि 4th बार बने हैं और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। अगली न्यूज पे हम आते हैं और हमारी अगली न्यूज हम कवर कर रहे हैं, ये जो अगली न्यूज आ रही है ये आपकी सिद्धार्थ वरदराजन से आ रही है। एक पर्सन है, इन्हें एक सम्मान मिला है। पहले आप इनका नाम देखिए, इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। नाम मत भूलिएगा, इम्पोर्टेंट नाम है। एक बहुत ही सम्मान्य अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, सिद्धार्थ वरदराजन। इन्हें एक अवार्ड मिला है और ये अवार्ड मिला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सिद्धार्थ वरदराजन को ये अवार्ड दिया है और ये अवार्ड का नाम है शोरेनस्टेन जर्नलिज्म। नाम थोड़ा अजीब है तो आराम से लिखिएगा, शोरेनस्टेन, दैट इज SHORENSTEIN जर्नलिज्म। ये अवार्ड जो है उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपने देश का बहुत ही अच्छा या जो भी सच्चाई थी वो पूरी दुनिया में बताई, दुनिया को उससे अवगत कराया बिना किसी मैन्युपुलेशन के लिए। इन्होंने एक कंपनी, एक वेबसाइट भी बनाई है द वायर, और ये बहुत फेमस है द वायर के नाम से। आप भी चाहें तो गूगल कर सकते हैं द वायर को, और सिद्धार्थ वरदराजन को इसीलिए अवार्ड मिला है। बढ़ते हमारी अगली न्यूज की तरफ। हमारी अगली न्यूज आ रही है देश है, हाँ आरक्षण से न्यूज है, और ये देश है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक लॉन्ग टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था, एक बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा था कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण की वजह से बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो बांग्लादेश सरकार ने अपने देश से आरक्षण को खत्म कर दिया। नाम मात्र की कैटेगरी में इन्होंने आरक्षण रखा है, नाम मात्र, एग्जैक्टली बोला जाए तो नाम मात्र की कैटेगरी में आरक्षण रखा है।
तो इस चीज को याद रखना, बहुत ही बड़ी न्यूज हो जाती है, क्योंकि आरक्षण हटाना अपने देश से बहुत ही बड़ी बात होती है। बांग्लादेश का आपको स्टैटिक मैं कई बार बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। जैसे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, और यहाँ की पीएम का नाम है शेख हसीना, यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश जो है वो 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुआ था 26 मार्च के दिन, ये सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बांग्लादेश की आजादी में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड को यानी 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हम में से कोई नहीं भूल सकता और हमें भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस आजादी के लिए अपनी जान दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को आज 13 अप्रैल 2018 के दिन पूरे के पूरे 100 साल हो चुके हैं, तो आज के दिन यहाँ से क्वेश्चन काफी बन सकते हैं आपसे। जनरल डायर, जिन्हें हम में से कोई नहीं भूलेगा कभी भी, किसी टेक्स्ट बुक में कभी भी, नॉर्मल डेज में भी हम नहीं भूल सकते, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर इनका पूरा नाम था, तो याद रखना जनरल डायर ने लगभग 10 मीटर राउंड करवाए थे, फायरिंग करवाई थी जिसे वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने एक तरीके से अपनी दुश्मनी निकाली थी। तो याद रखिएगा हमारी किस जलियांवाला बाग हत्याकांड को कितने साल हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं। और इसी में हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है कॉमनवेल्थ से। हमने कॉमनवेल्थ ऑल दो सारे कवर कर लिए थे, लेकिन एक कॉमनवेल्थ का गेम बचा हुआ है और ये न्यूज है दूसरे देश से, ये न्यूज है कैन हैंसन से। कैन हैंसन जो कि 68 ईयर्स के हैं, कैन हैंसन ये 68 ईयर के हैं और ये कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने हैं। कैन हैंसन जो है इन्हें पैरालॉन बॉल में इन्होंने ये जीता और ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने, इसे याद रखेगा। अगली न्यूज हमारी कॉमनवेल्थ से आ रही है और ये हमारी भारतीय महिलाओं ने झंडा गाड़ दिया है अगेन सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत के। और यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया और नवजीत ढिल्लो की। जी हाँ, सीमा पुनिया ने सिल्वर मेडल जीता डिस्कस थ्रो में, जिसे हिंदी में हम चक्का फेंक भी कहते हैं, डिस्कस थ्रो में सीमा पुनिया ने सिल्वर जीता है और नवजीत ढिल्लो ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के इंडिया का नाम अगेन रोशन कर दिया। तो दोनों वुमेन्स ने बहुत ही अच्छा मोमेंट इंडिया को गिफ्ट किया है। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। हमारी जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है किदाम्बी श्रीकांत से। किदाम्बी श्रीकांत जिनके कोच पुलेला गोपीचंद हैं, पुलेला गोपीचंद साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के भी कोच हैं, और किदाम्बी श्रीकांत जो हैं उन्हें आज ही BWF दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इनके द्वारा दुनिया का नंबर वन बैडमिंटन प्लेयर घोषित कर दिया गया है। मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दुनिया की बात कर रही हूँ। दुनिया के नंबर वन प्लेयर बन गए किदाम्बी श्रीकांत और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा घोषित हुआ है। अगली न्यूज हम कवर कर रहे हैं इसरो से, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसरो ने अपना नोवा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, 9th नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है और यह सैटेलाइट जो है वो PSLV C41 के द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV C41 के द्वारा लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं ये है क्या, अभी तक हम GPS का उपयोग करते थे लेकिन अब हमने अपना एक पर्सनल सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम है नाविक। नाविक के माध्यम से हम भारतीयों को अब GPS की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो हमारे लिए ऑप्शनल हो जाएगा क्योंकि हमें हमारे देश का खुद का एक सैटेलाइट मिल चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं अपनी साइड से पूछना चाहूंगा, हालांकि मैम ने उसको कवर नहीं किया है, कि आज इंडिया से एक प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है जो कि यंगेस्ट इंडियन बन गया है कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने वाला, तो उसका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।